वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम खमन ढोकला बनाएंगे। विदाउट इनो ढोकला बनाया है मैंने, बहुत ही स्पंजी और अच्छा ढोकला बनता है। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बेसन 1.5 कप, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नींबू का रस 1 टेबल स्पून, ऑयल 2 टेबल स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, पानी 1 कप, नमक 1.5 टीस्पून, हरा धनिया और हरी मिर्च की पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्च 5 से 6, कड़ी पत्ता 10 से 12, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए, राई 1 टीस्पून, चीनी 1 टीस्पून। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम एक बड़े बाउल में बेसन ले लेंगे और उसमें नमक स्वाद के अनुसार, 1 पिंच हल्दी, मिर्ची धनिया का पेस्ट, नींबू का रस और 1 टीस्पून ऑयल डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स करना है। पूरा अच्छे से कंबाइन होना चाहिए। अब इस मिश्रण को हमें 30 मिनट के लिए रख देना है ताकि ये मिश्रण अच्छे से स्मूथ हो जाए। अब हमें एक केक टिन लेना है और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। अब हम इसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे जल्दी जल्दी से, ताकि हमने जो लाइम जूस डाला था उसके साथ रिएक्ट करे और बैटर फ्लफी बन जाए, जिससे हमारा ढोकला स्पंजी बनता है। अब इस बैटर को हमें केक टिन में डाल देना है। इस प्रोसेस को हमें जल्दी से करना होता है, इसीलिए हमने पहले ही केक टिन को ग्रीस करके रखा था। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक पॉट में पानी उबलने के लिए रखा है और उसमें एक स्टैंड रखा है जिस पर हम टिन को रखेंगे, जिससे कि स्टीम अच्छे से तैयार होगी। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि पानी उबलने के बाद ही टिन को रखना है, इसलिए मैंने पहले ही पानी को उबलने के लिए रखा था। अभी इसे हम 20 से 25 मिनट तक मीडियम हीट पे पकने देंगे। 20 मिनट हो चुके हैं, अभी हम चेक करेंगे। स्टिक पूरी तरह से क्लीन निकली है, इसका मतलब हमारा ढोकला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम तड़का लगाएंगे राई, करी पत्ता, हरी मिर्च, हरा धनिया, स्वाद के अनुसार नमक, चीनी, इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें हम एक उबाल आने देंगे। अभी हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, इसे साइड से कट कर लेंगे ताकि आसानी से निकल आए ढोकला। अभी टिन को उल्टा करके थोड़ा सा टैप करेंगे। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। एकदम स्पंजी ढोकला हमारा बनके रेडी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया है, बहुत ही स्पंजी ढोकला बनके रेडी है। देखिए बिना इनो पाउडर के भी कितना अच्छा ढोकला बन सकता है। अब हम इसमें जो हमने तड़का लगाया था उसे थोड़ा थोड़ा करके ढोकले के ऊपर डाल देंगे। आप भी इस रेसिपी को घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर इस रेसिपी के बारे में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।